पिक्सल एक्सपीरियंस का एक प्लस एडिशन हमारे रेडमी के K20 प्रो डिवाइस के लिए आ चुका है, जो कि अभी फिलहाल मैं मॉर्निंग से यूज कर रहा हूँ। और इस बार के जितने भी अपडेट आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिवाइसेज के लिए हो, सब में मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला है। और सिर्फ एक लौता पोको X2 डिवाइस है जिसका जो पिक्सल एक्सपीरियंस का अपडेट था प्लस का, वो बिल्कुल ही कमाल का था और परफेक्ट अपडेट था। तो क्या K20 Pro डिवाइस के अंदर भी ऐसा ही अपडेट देखने को मिलेगा या फिर बाकी अदर की तरह यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, इस रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे सारी जानकारी देने वाला हूँ। बस जरूरत है आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करने की, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करें। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एंड्रॉयड वर्जन आपको 11 देखने को मिलता है, मैं 5 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, और इस बार F1XY+ का कर्नल यूज किया गया है। और ये प्लस एडिशन आपको देखने को मिलता है 520 का, जो कि ऑफिशियल सपोर्ट के साथ आता है, और ये सबसे लेटेस्ट है जिसे फिलहाल मैं मॉर्निंग से यूज कर रहा हूँ। ये वॉलपेपर अगर आपको पसंद आता है तो लिंक टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और रही बात इसके बाकी तो चीज़ों की, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका कैमरा, जो कि मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगा। कम से कम GCam मिलना चाहिए था या फिर ANX वगैरह या कोई डिफरेंट, लेकिन ये ओवरऑल ओके है, काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप GCam यहाँ पे यूज कर सकते हो, अभी फिलहाल मैं एक GCam यूज कर रहा हूँ जो कि 4K 60fps तक सपोर्ट करता है। और अगर आपको चाहिए GCam पे डेडिकेटेड वीडियो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वही सारे सिस्टम वगैरह और इसका OTA अपडेटर। बट इस बार बताया गया है कि भाई आपको क्लीन फ्लैश करना है, तो OTA अपडेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे स्टेटस बार वगैरह में वही सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे, बटन के अंदर वही कस्टमाइजेशन है, जेस्चर के अंदर भी आपको वही कस्टमाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ पे नेबर वगैरह इनेबल कर लेते हो तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कॉम्पैक्ट वगैरह का, तो ये तो ओल्ड फीचर से आपको पता ही होगा। और कैमरे का साउंड प्रोफाइल वगैरह भी आपको वर्किंग मिलता है। इस बार फोर्ड को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, और मैं रियली में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ इस बार फिंगरप्रिंट को लेके, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फिंगरप्रिंट है ये अच्छे से रिस्पॉन्सिव है और वन टाइम में काम करता है। जब भी मैं फिंगरप्रिंट यूज करता हूँ K20 Pro के अंदर कस्टम रोम पे, तो मुझे हमेशा इससे शिकायत रहता था। बट आप नोटिस कर पा रहे हो कि मैंने एक ही फिंगरप्रिंट को सेट कर रखा है और ये यहाँ पे अच्छे से काम करता है, तो यहाँ पे ये परफेक्टली है और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने नोटिस किया कि मैंने कई बार ट्राई किया तो कभी कभी ऑलवेज ऑन होने के बाद भी ऑलवेज ऑन यहाँ पे शो नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है, तो ये कभी कभी देखने को मिल जाता है। सेटिंग अंदर यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट व्हेन स्क्रीन इज ऑफ। अगर आप इसे ऑफ रख दोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट अनलॉक नहीं हो पाएगा अगर आपने ऑलवेज ऑन को ऑफ कर रखा है, तो यहाँ पे पावर बटन प्रेस करना होगा, उसके बाद टैप करना होगा। और आप देख पा रहे हो कि फिंगरप्रिंट हर बार काम कर रहा है, जबकि बाकी अदर रोम के रिव्यू आप चेक करोगे तो वहाँ पे मैंने इशू बताया है फिंगरप्रिंट को लेके, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सही है। इसके पहले वाले अपडेट में एक बग मैंने आपको बताया था जो कि MI साउंड इन्हेंसर का था, लेकिन जब रिव्यू किया उस समय ये वर्किंग था, लेकिन इस बार ये परमानेंट डिसेबल है, काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने जितने बार इसे ट्राई किया उतने बार ये फोर्स क्लोज देता है या फिर सेटिंग के बाहर निकाल देता है या फिर नॉट रिस्पॉन्स यहाँ पे शो करता है। तो आप देख पा रहे हो कि ये काम नहीं कर रहा है, तो ये बग आपको पहला देखने को मिलता है। दूसरा आप देख पा रहे हो कि स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेव नहीं हो पाया है, तो ये आज तक मुझे इशू नहीं आया था पिक्सल पे, बट इस बार देखने को मिला है। तो फिंगरप्रिंट तो काम करता है, लेकिन कभी कभी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि आपका जो फिंगरप्रिंट है वो सेव ही नहीं होगा। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला इस रोम को यूज करते हुए। आगे आते हैं डिस्प्ले की ओर, तो लाइव डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले मोड एक नया ऑप्शन देखने को मिला है, और मुझे ठीक से याद नहीं है कि ये पहले वाले में ऐड किया गया था या इस बार ऐड किया गया है, तो आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि किस तरीके से हमें ये ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे कलर्स वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि अच्छे से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी कॉमन ऑप्शन है ये भी आपको वर्किंग देखने को मिलता है, इनमें कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ वाईफाई हॉटस्पॉट वर्किंग है। यहाँ पे मैंने इसे फुल चार्जिंग चेक किया है कि स्पीड कैसा मिलता है, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने यूज भी किया है, तो यहाँ पे जो बैटरी देखने को मिला है वो मुझे इस बार अच्छा देखने को मिला है, और ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रही बात यहाँ पे चार्जिंग स्पीड, तो इस बार का चार्जिंग स्पीड मुझे ठीक लगा है। आप देख पाओगे यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड मैं आपको शो करने वाला हूँ वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट आप देख पा रहे हो कि मैं स्क्रीनशॉट ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक पंगा है इस रोम के साथ। तो इस बार का जो पिक्सल का अपडेट है ना, इससे मैं उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ जितना कि पहले वाले से था। तो यहाँ पे आप खुद पर्सनली नोटिस कर पा रहे हो कि कभी कभी ये दिक्कत कर रहा है,
और एक टाइम ऐसा था कि ये जो जेस्चर है ये मेरा काम नहीं कर रहा था, यानी रिस्पांस ही नहीं दे रहा था, तो इसलिए मुझे नेवबार के जगह बटन यूज करना पड़ा। तो क्या ये इशू आपके साथ भी आया है या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी फिलहाल आप चेक कर रहे होंगे कि मैं जब भी कोई फ़ोटो ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो पा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे आते हैं कुछ डिटेल के ऊपर। तो चार्जिंग स्पीड आप यहाँ पे देख पाओगे कि चार्जिंग स्पीड मुझे काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है, तो आपको चार्जिंग से रिलेटेड यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग रन किया और यहाँ पे मुझे ओनली 73% देखने को मिला है और 15 मिनट तक मैंने इसे कंटिन्यू रन किया है। तो यहाँ पे बैटरी तो अच्छा लगा है, लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। साथ साथ आपको L1 का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, तो इससे रिलेटेड टेंशन नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा प्ले स्टोर है ये आपको सर्टिफाइड देखने को मिलता है, तो बैंकिंग के ऐप को यूज करने में दिक्कत नहीं आने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट, जो कि हमारा जो CPU के क्लॉक्स वगैरह का स्पीड है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और रही बात स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं या फिर नहीं, तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सारा प्रॉब्लम आपको फिक्स मिलता है, यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग अच्छे से काम कर रहा है। तो आप देख पाओगे कि मैं अगर ड्रॉवर को अप डाउन कर रहा हूँ तो काफ़ी स्मूथली हो जा रहा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और सेटिंग भी काफ़ी जल्दी ऑन हो गया। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, ये परफेक्ट काम करता है। तो इतने सारे चीज़ों में से स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और फिंगरप्रिंट, रही बात कि चेंज लॉग में क्या मेंशन है, सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि चेंज लॉग में लिखा गया है कि हमारा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड कर दिया गया है, इंप्रूव किया गया है ट्रांसलेशन को, फोर्ड को इंप्रूव कर दिया गया है, कर्नल को चेंज कर दिया गया है और सम इंप्रूवमेंट किया गया है और क्लीन फ्लैश बताया गया है। तो अगर आप ओल्ड वाले पिक्सल पे थे और इसे यूज करना चाहते हो तो क्लीन फ्लैश करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मैं कहूँगा भाई इस बार वेट करो, क्योंकि इस बार उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर नेक्स्ट अपडेट आता है वो फिक्स हो जाता है और मैं आपको वीडियो देता हूँ, तो उसके बाद आप अपडेट कर लेना, क्योंकि इस बार का उतना ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया है इसके रोम के अंदर, इसके परफॉर्मेंस के अंदर, और छोटे मोटे प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाते हैं। तो यही है इसका टोटल डिटेल जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट कर लेना, और नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के अपडेट के इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। रही बात गेमिंग, तो मैंने यहाँ पे गेमिंग भी किया है, मुझे कुछ खास उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। हाँ, लेकिन गेमिंग लॉन्ग करने पे मुझे खास हीटिंग भी देखने को नहीं मिला है, और मैं आपको थोड़ा सा गेमिंग दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ब्राइटनेस मैंने फुल कर रखा है और गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे सेटिंग शो कर देता हूँ कि क्या सेटिंग है। तो यहाँ पे मैक्स सेटिंग पे यहाँ पे रन हो रहा है, और यहाँ पे मुझे कलर्स वगैरह पहले से थोड़ा इम्प्रूव देखने को मिला है बाकी अदर कस्टम के कंपैरिजन में। तो गेमिंग के टाइम में आपको जो कलर्स रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। बस वही है कि परफॉर्मेंस में जो मैंने आपको थोड़ा इशू बताया वो इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। मुझे हल्का स्लो रिस्पॉन्स लग रहा है, काफ़ी अलग टाइप का वियर्ड सा रिस्पॉन्स आ रहा है।
25/12 काफ़ी कूल है, कोई हीटिंग वगैरह देखने को नहीं मिला है। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। टाटा बाय बाय।